वंदे मातरम दोस्तों, स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस सीरीज 46 लेके आए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिस्ट ग्रैप से किस तरीके से निकलें। तो पहले हम बात करेंगे सेम हैंड रिस्ट ग्रैप की। सेम हैंड यानी मेरे सामने वाला जो हाथ है उसी से अगर मेरी रिस्ट को ग्रैप किया गया है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे इसने इस तरीके से ग्रैप किया हुआ है मेरी रिस्ट को और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो अपोनेंट है ये मेरे बराबर का है यानी कि सेम वेट का, तो फिर रिस्ट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है क्योंकि सेम वेट में मोस्टली लोग रिस्ट नहीं पकड़ते हैं। रिस्ट वहाँ पकड़ी जाती है जब उन्हें लगता है कि ये हमसे वीक है और उसकी रिस्ट पकड़ लेते हैं, यानी कि सामने कोई लड़की है तो उसकी रिस्ट मोस्टली पकड़ी जाती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि रिस्ट पकड़ के उसको खींचने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ, या भाई किसी और प्लेस पर ले जाने की कोशिश करते हैं, या किसी सुनसान रास्ते पर इस तरीके की वारदात होती है। तो पहले हम देखते हैं कि जो रिस्ट का मेन पोर्शन है उसमें हम देखते हैं कि वीक ग्रिप कहाँ पे होती है। मान लीजिए कि इस साइड जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, अगर मैं इधर की तरफ हाथ निकालने की कोशिश करूँगा तो मैं इसे कभी नहीं निकाल पाऊँगा क्योंकि ये ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें बात करनी है वीक ग्रिप, यानी आप यहाँ पे देख रहे हो तो इस एरिया में देखो कि यहाँ पे दोनों यानी उंगली और अंगूठे का जॉइंट हो रहा है और इस जॉइंट की वजह से ये ग्रिप काफ़ी ज़्यादा वीक है क्योंकि यहाँ से हाथ निकल सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने हाथ को इस तरीके से टर्न करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, जैसे कि मैंने देखा कि ये जो रिस्ट की चौड़ाई है वो इस एरिया में ज़्यादा होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इस जो एरिया है यहाँ पे जो हमारी वॉन होती है वो पतली हो जाती है। तो जो पतली वॉन है वहाँ से हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे इसने मेरी रिस्ट पकड़ी हुई है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं और इस एरिया को हम वीक ग्रिप मानते हैं, तो यहाँ से हमें अपनी पतली बॉन को इस तरीके से खींचना है कि ये ब्लेड बॉन ईजली तरीके से यहाँ से शिफ्ट होते हुए निकल जाए, ठीक है। तो इसमें कोशिश हम ये करते हैं, थोड़ा सा लेग मूवमेंट्स भी होता है और हमारी बॉडी मूव करेगी तभी निकलेगा, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से कोशिश करूँगा तो ये और टफ हो जाएगा और यहाँ से बढ़ के या तो स्लैप मारना शुरू कर देगा या हो सकता है कि उठा के कहीं और ले जाए किसी अन्य प्लेस पे, या हो सकता है कि वहीं पे गिरा के मारना शुरू कर दे। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, अगर उसने रिस्ट पकड़ी हुई है हमारी तो हमें उससे बात करते हुए उसको डिस्ट्रैक्ट करना है और अपनी बॉडी के मूवमेंट के साथ हमें इसको ट्विस्ट करना है और ये रिस्ट बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाएगी और वहाँ से आप उसको अटैक भी कर सकते हो। तो इस पोर्शन पर हम देख लेते हैं एक बार इस साइड कि जैसे ही इसने रिस्ट ग्रैप किया, हमने यहाँ से देखा कि ये पोर्शन सबसे ज़्यादा वीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से ट्विस्ट किया। अब देखो ये यहाँ से वीक अपने आप खुलता जा रहा है अगर ये अपनी प्लेस पे खड़ा हुआ है तो, लेकिन अगर मैं इसको इतनी स्लो खींचूँगा तो ये हाथ ट्विस्ट कर लेगा और यहाँ से मैं नहीं निकाल पाऊँगा और ये दूसरे हैंड का इस्तेमाल करेगा। तो हमें उससे पहले क्या करना है कि जब इसने रिस्ट पकड़ी यहाँ से खींचा और यहाँ से सीधी स्ट्राइक इसके फेस पर, जब ये सरप्राइज अटैक इसके फेस पर पड़ेगा तो ये यहाँ से नॉकआउट भी हो सकता है और आपको निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो स्लो में समझेंगे, हमें इसको बिल्कुल फास्ट तरीके से करना है, बस अपनी बॉडी को शिफ्ट किया एंड यहाँ से हैक जो है इसकी गर्दन पे या इसके फेस पे हैमर फिश स्ट्राइक मारोगे तो ये ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझो, ग्रैप निकाला एंड स्ट्राइक एंड बैक अपनी जगह पर। रिस्ट ग्रैप का इससे अच्छा डिफेंस और कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है। एक नई सीरीज के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।